any planet that is coming into Swati will again will have a different traits, different qualities जो कि यूनिक होगी। सैजिटेरियस का एक मेन थीम बन जाता है स्वाति का, और वो थीम क्या है? रचना शक्ति, किस तरीके से एक लाइक ना स्पर्म सेल का मूवमेंट, मूवमेंट से उसका लाइक ना पहुंचना स्थान में, और फिर उसके बाद विशाखा का नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मगा। ठीक है, मैंने बताया था मगा में यू हैव दिस सेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान का केंद्र भी बनता है तुम्हारा मगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में यू आर गेटिंग सन, शनि, कृतिका, ये सारा चीज है जो ब्रेन है, जो कि 9th हाउस से लिंक हो रहा है। बट अल्टीमेटली लियो को भी जो गेन करके रखे है, यानी कि लियो नॉलेज को जो गेन करके बैठा है, वो सरस्वती हो गए। ठीक है, एंड दैट इज वाई यू सी स्वाति नक्षत्र पीपल विल बी वेरी नॉलेजेबल, वेरी नॉलेजेबल, बट नॉट द नॉलेज ऑफ क्रिएशन। ये खासियत है, नॉट नॉलेज ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन का नॉलेज नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पे नया डिजाइन करना हो, स्क्रैप से डिजाइन करना, उसकी नॉलेज नहीं होगी। इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग जो कि रनिंग है। ठीक है, विद्या, कई सारी विद्या और ज्ञान होना, नॉलेज होना, ये तुम्हारा सरस्वती इसमें आता है, स्वाति के उसमें आता है। एंड दैट इज वेयर यू गेन लियो, मघा क्वालिटी वाइज। सो मघा का क्वालिटी ज्ञान के रूप में गेन में आता है, एंड दैट इज अ कंप्लीशन ऑफ द सर्कल, जो कह लो कि कृतिका से चालू हुआ था। कृतिका मैंने बताया था, कृतिका आपके अंदर का ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अग्नि का कंप्लीशन जो है वो स्वाति तक में आता है। स्वाति मतलब आप जान गए कि क्या आप हो। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का पार्ट आ गया कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक प्रकार से वो वाला पार्ट भी आपका इसमें देखने को मिल रहा है। देन कमिंग टू वायु, व्हेन आई से वायु, फर्स्ट इज नॉन कंटेनेबल, कंटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फैलाव और विस्तार बहुत ज्यादा, फैलाव और विस्तार बहुत ज्यादा, यानी कि जहां कहीं पहुंचा नहीं जा सकता वहां वायु पहुंच सकती है। ठीक है, एनी प्लेस वेयर There is a hole or there is a space, there will be fire running into it. And then you see this concept of getting far away from ecliptic is same as reaching to out spaces, going far away from homeland. ये भी एक स्वाति का नेचर है कि wherever, whichever, अगर prominently होता चला जा रहा है स्वाति, you will find these people will get peace in their life, things in their life, wealth in their life when they go away from their home. और डू इवन इफ दे आर हैविंग प्लैनेट सैटर्न जैसा प्रोफेशन जैसा, दे विल डू समथिंग जो हट करके हो, अवे फ्रॉम द नॉर्म्स। और वायु का दूसरा क्वालिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रेस कर लो, एक्सपैंड कर लो, दोनों ही चीजों में वो लेता इजी है उसके लिए। एंड व्हेन यू से दैट देन यू दिस कम्स टू दिस लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब समझ लो ना, कोई नियम कायदा कानून नहीं, एंड दैट इज द नेचर ऑफ राहु, लाइक आउटकास्ट, नॉट फॉलोइंग द नियम, नॉट नॉर्मल नॉर्म्स, ट्राइंग टू बी यूनिक, डिफरेंट, क्या पाना है क्या नहीं पाना है उसका चाहत एक्सट्रीमली हाई, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वेल्दी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे फोकस। ठीक है, तो स्वाति का सिंपल है लाइफ, मतलब बहुत प्रैक्टिकल जीता है, पैसा चाहिए, मोटिवेशन पैसा है और वेल्थ है, इसके ऊपर फोकस रहेगा, यूनिक रहेगा, डिफरेंट रहेगा एट द सेम टाइम, और उसकी वजह से लोग इसको जान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो वायु की तरह इसका बिहेवियर है। तो एनी टाइम दैट एनी प्लैनेट दैट इज कमिंग इनटू स्वाति विल अगेन गो गोल विल हैव अ डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट क्वालिटीज जो कि यूनिक होगी। And that will not follow the law. Not follow the law in the sense, will not go from normal, जो कह लो कि normal जो सब लोग करते हैं वैसा कुछ काम नहीं करने का इच्छा होता है। It will be always trying to be unique, different. ठीक है, तो किसी का वीनस हो जाएगा अगर साथी में, so now that person does not want to go in a normal marriage or does not want to do the normal marriage, ठीक ना?
सोच, उसके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि आई वांट टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैरिज, और वीनस कुड बी पार्टनर, सो पार्टनर विल बी थिंक समबडी कमिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड्स और समबडी हु लिव्स अक्रॉस द कंट्री, नॉट इन द सेम रीजन. ठीक है, हु विल टू यू शी विल बी लाइक समबडी कमिंग फ्रॉम आउटस्कर्ट्स और समबडी कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स. हो सकता है तुम सेम ही नाम से कह लो, सरनेम से कह लो, आपने सेम उठाया, आपने सोचा फैमिली तो सेम ही है, उठाया, लेकिन उसकी मेंटालिटी उसी फैमिली में रहते हुए बहुत डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, तो यूनिक पर्सनैलिटी, पीपल, पार्टी लवर्स ऑब्वियसली, पूर्व फाल्गुनी इज देयर, सो पार्टी लवर्स, मटेरियलिस्टिक लवर्स, ठीक है, वो वाली क्वालिटीज आएंगी आएंगी, पैसा, वेल्थ, ये है. एंड देन कम्स पार्टनरशिप, सो वेरी प्रोमिनेंट थीम ऑफ एक्चुअली प्रोक्रिएशन कम्स ओवर हियर, मतलब ध्यान समझना कि वायु एक्चुअली बहुत बड़ा केंद्र है प्रकृति में जो पॉलिनेशन कराता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है और जिसकी वजह से कोई भी एक जन्मा हुआ वृक्ष एक्चुअली बहुत दूर तक अपना फैलाव कर सकता है, विस्तार कर सकता है. दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज देयर इट प्रोड्यूसेस सीड्स एंड दोस सीड्स गेट्स बस्ट एंड दे स्प्रेड आउट बिकॉज ऑफ द विंड. ठीक है, इसीलिए ये फोटो मैंने डाल रखी थी पीपीटी में, दिस डिस्पर्सिंग, फैलाव होना, विस्तार होना, एक एक जगह से दूसरे जगह तक फैलना. तो कोई भी चीज आप जो फैलाते हो, जैसे बोलते हैं रायता फैल गया, तो रायता फैल गया इज अ थीम ऑफ स्वाति. अब दैट इज नॉट अ गुड थीम ऑफ स्वाति, बट दैट इज अ स्प्रेड, बहुत तेजी होता है स्वाति में. कोई भी चीज, जो भी चीज आपके बारे में है, दैट विल बी स्प्रेडिंग, एंड दैट इज इफ यू हैव गुड प्लैनेट्स लाइक जुपिटर और मकरी, ऑल दिस प्लैनेट्स, दैट विल बी वेरी गुड फॉर स्प्रेडिंग थिंग्स. ठीक है, फैलाव करने के लिए, विस्तार करने के लिए, दूर दराज से लोग जाने आपको, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको जाने, इसलिए भी है. तो फेमस होने का बड़ा वो है ना, देखिए भाई, जो जितना ज्यादा कवरेज करता है, अभी बताता हूँ, जो जितना ज्यादा ट्रैवल करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पर्सन की लाइफ में देखोगे, यहाँ तो पॉलिटिशियन है, बट एज अ पर्सन की लाइफ देखोगे, तो फैलाव का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करना, लंबी दूरियों तक ट्रैवल करना. एंड द मोर यू ट्रैवल, द मोर नॉलेज यू गेन एट द सेम टाइम. स्वाति का थीम ही यही है कि द मोर यू ट्रैवल, द मोर नॉलेज यू विल अक्वायर, तरह तरह का ज्ञान हो जाता है. तुम खुद सोचो, तुम घर में बैठे, तुम कितना भी ध्यान साधना कर लो, लेकिन एक्चुअली में तुम में जब वो रियल लाइफ में तुम उतरते हो, लोगों से मिलते हो, यहाँ पे ऐसा सिर्फ यहाँ पे यही ट्रैवल ही, इट्स अबाउट डिस्पर्सिंग मीन्स कनेक्टिंग टू अदर पीपल, शेयरिंग द आइडियाज, शेयरिंग योर आइडियाज, ठीक है, अपने ही विचारधाराओं को डिस्पर्स करना, ये भी एक हॉबी है. सो आप जब होते हो तो आपको मोर ऑफ अ एक्सपीरियंशियल चीजें मिलती है रादर देन एक बुक से पढ़ने के. तो इसलिए ये नक्षत्र ट्रैवल से रिलेटेड है. एंड इफ आई नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ दिस ट्रैवल कॉन्सेप्ट वर्क्स, आई नीड टू पुट दिस स्वाति इन 11th हाउस नाउ एंड सी व्हाट इज बिकमिंग, क्या बन रहा है. एंड देन आई सी सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस का एक मेन थीम बन जाता है स्वाति का, और वो थीम क्या है कि यू विल सी अ लॉट ऑफ मेजर मेजर रिलीजियस गुरुज हैज दिस थीम. मतलब तुम सब रिलीजियस मेजर गुरुज में देखोगे, जो स्पेशली इंडिया में हुए या कहीं पे भी हुए, उनमें एक मेजर थीम पता क्या मिला कि सबने भारत भ्रमण किया. सारे गुरु, शंकराचार्यों ने, सबने क्या किया, ट्रैवल किया टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. एंड दैट इज व्हाई यू सी देयर आर टू मेजर थीम्स दैट अकर्स इन अ सन्यासीज लाइफ, लाइक आफ्टर टेकिंग सन्यास, दे प्रोमिनेंटली डू टू थिंग्स. वन इज दैट दे गो टू शमशान, डेथ, गेटिंग क्लोजर, आइडेंटिफाइड विद देयर मोर्टैलिटी, एंड देन ट्रैवलिंग द होल कंट्री. दीज आर टू थिंग्स वेरी सिग्निफिकेंटली. एंड द मोर यू प्लैनेट यू हैव स्वाति, द मोर यू ट्रैवल, द मोर यू विल गेटिंग स्टार्ट गेटिंग दिस नॉलेज, ज्ञान, और कह लो कि फैलाव का समझ में आना शुरू होता है. लेकिन तुमको एक्चुअली में
समझो कि एरीज में कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रेंट था आइडेंटिफिकेशन से कि मैं ऐसा हूं या मेरा ये समाज है, मैं ऐसे परिवार, समझो कि टॉरस से आठवां घर है या छठा घर है, सिक्स एट का रिलेशनशिप रखता है टॉरस। सो जो आइडेंटिफिकेशन टॉरस बना के देता है, टॉरस बना के देता है कि फैमिली का एक ककून का, कि टॉरस में आप एक ककून में हो ना, एक लिमिटेड एरिया स्पेस में आप अपने फैमिली में रहते हो। आपका फैमिली में अपना फादर मदर्स क्या कोशिश करता है, इधर मत जाओ, वो मत करो, इन सब से बात ना करो, या फिर ये करो वो मत करो। एंड व्हेन यू कम टू लिब्रा सडनली यू द होल यूनिवर्स इज ओपन नाउ एंड देयर इज अ वास्टनेस ऑफ दिस एंड यू द मोर यू ट्रेवल यू मोर गेटिंग डिटैच टू योर टॉरस थिंग्स। फैमिली वाले जो कस्टम बना रखे थे, या कह लीजिए आपको एक तरीके से खाना खाना पसंद था, अब आप साउथ इंडिया में हो, मिलेगा ही नहीं, ढूंढ लो, नहीं मिलेगा ना, तो अब आपको फिर आप अपने आप को बदल रहे। दैट इज हाउ वायु चेंजेस यू। वायु कहते हैं हवा लग गई है इसको, दिल्ली की हवा लग गई है, तो हवा लगने का मतलब अब आपके अंदर बदलाव शुरू हो रहा है, चेंज आना शुरू हो रहा है, एंड दैट इज द चेंज विच इज कमिंग थ्रू वायु। And that change is actually to grow you to become Sagittarius, to become an experiential person rather than knowledge based. क्योंकि लियो में knowledge है, knowledge कैसे है, शास्त्रीय knowledge है, bookish knowledge है, सारी चीजें हैं। But the more now you travel, you find कि अच्छा जो knowledge मैंने पढ़ा है वो इस्तेमाल होगा भी नहीं होगा, people में apply होगा भी नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष इतनी अच्छी है क्योंकि इसके direct communicate करती है people में apply होने, मतलब सीधी बात, अगर ये apply ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना। इसलिए लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर एप्लीकेबल आर मोर पॉपुलर, मोर एप्लीकेबल टू द पीपल इज मोर पॉपुलर, ठीक है। इसलिए तुमको हिस्ट्री के लोग ज्यादा मिलते हैं, तुम नहीं भी पढ़े हो हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में, तुम इंटरेस्ट आने लगता है समय के साथ। दैट इज हाउ मग्गा इज देयर। तो ज्ञान बढ़ता है जितना ज्यादा आपका फैलाव बढ़ता है, इतनी ज्यादा रीच पड़ती है आपकी, लोगों से मिलाव बढ़ता है, ठीक है। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजनन शक्ति इज देयर, द सेकंड पार्ट पूर्व फाल्गुनी इस दिस डिस्पर्स इज टू एक्चुअली फॉर सेक्सुअलिटी आल्सो। तो स्वाति का दूसरा मेन जो काम आता है वो होता है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का एक पार्ट है, ठीक है, पॉलिनेशन का पार्ट है। अब इफ यू सी स्वाति में फ्लावर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। फ्लावर पॉलिनेशन कैसा होता है कि उसमें एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है एंड दैट उसी का पॉलन ग्रेन है, उसी का है, एंड दैट गोज इनटू इट्स ओवरी उसके स्टिग्मा से होते हुए, एंड देन देर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग फ्रूट, एंड देन देखना उसका सारा कुछ होना, एंड देन न्यू सीड्स फॉर्मेशन, एंड उस न्यू सीड से एक चक्र है। तो बेसिकली चक्र का आरंभ होने के लिए ये प्रोसेस है। सो व्हेन आई सी दिस पॉलिनेशन व्हाट गोज इन माय माइंड इज कि ओके इफ आई लुक व्हाट हैपेंस इन ह्यूमन बॉडी इज आल्सो समवेयर रिलेटेड टू दिस स्वाति, एंड स्वाति इज लाइक कैसे बोले कि लाइक दैट मूवमेंट है ना, वो स्पर्म सेल का मूवमेंट टू फाइंड अ ओवरी, दैट इज द सेम। सो इफ वी हैव अ प्लैनेट दैट एफ्लिक्स स्वाति कैन एक्चुअली एट द टाइम अफ्लिक्स लिखना जो स्पर्म सेल मूवमेंट है ना, जिसमें बोलते हैं ना बीमारी होती है, बीमारी नहीं बोलना चाहिए, मतलब देयर इज अ इशू कि आपका जो स्पर्म सेल्स है वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, या स्टैग्नेंट है, वो इशू है। सो यू विल फाइंड दैट इज ड्यू टू स्वाति कि मूवमेंट का कारक है वाई, एंड दैट मूवमेंट हैज टू हैपन टू फॉर द पॉलिनेशन टू हैपन, फॉर द जाइगोट टू फॉर्म, फॉर द बेबी टू टेक बर्थ। इसलिए फिर ऐसे केसेस में आपको फिर टू से आईवीएफ और ये सब की तरफ बढ़ने की का प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सेल्फ नहीं हो पाता है, वो वायु कहीं ना कहीं घटती है, ठीक है। सो इट इज एट द सेम टाइम दिस स्वाति इज रिलेटेड टू योर प्रजनन शक्ति, दैट इज वाई प्रजनन शक्ति 11,000 मिली हुई है, ठीक है, दैट इज वेयर स्वाति कम्स इनटू द पिक्चर। और उसके आगे अब ये जब हो जाएगा दैट द मोमेंट स्पर्म सेल्स गोज एंड गेट्स कनेक्टेड विद द ओवरी, देन विल कम विशाखा, पहला जाइगोट बन गया। विशाखा इज अबाउट डिवाइडिंग,
सो जब पहला सेल क्रिएट हो गया देन इट कम्स डिविजन, सेल डिविजन चालू हो जाएगा विशाखा में, समझ रहे हो? दैट इज द नेक्स्ट नक्षत्र वेयर डिविजन स्टार्ट हैपनिंग. सो समबडी स्वाति अच्छा है तुम्हारा, तो तुम्हारा जायगोट फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर दैट सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर विशाखा खराब है, विशाखा अच्छा है तो सेल डिवीजन अच्छा होगा, बॉडी ग्रोथ क्विक हो जाएगी. अंडरस्टैंड कर रहे हो? प्रजनन शक्ति किस तरीके से एक लेगना स्पर्म सेल का मूवमेंट, मूवमेंट से उसका लेगना पहुंचना स्थान में, और फिर उसके बाद विशाखा का आना टू सेल डिवीजन करना, और फिर बेबी का फॉर्म लेना, ठीक है, एक ह्यूमन फॉर्म में चीजें करना शुरू होना, ये काम है स्वाति का. एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑल दोस थिंग. सो क्योंकि अब ये भी है कि ये चित्रा से उठा हुआ है, चित्रा से नेक्स्ट आया है, तो ऑलरेडी चित्रा क्रिएट्स दैट अर्ज टू हैव अ बेबी और टू हैव अ पार्टनर, टू हैव टू प्रोक्रिएट समथिंग लाइक दैट, में वो अर्ज क्रिएट होती है, वीनस डेब्यूटेशन होता है, तो लाइक समबडी सीकिंग टुवर्ड्स दैट एंड देन इट गोज इन दैट इन द स्वाति टू एक्चुअली गेटिंग द पार्टनर एंड गेटिंग दैट मघा कन्वर्टेड इनटू अ रियल फॉर्म, और पितरी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ अ जायगोट, ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट.